फसल बीमा योजना 2023। सरकार 35 लाख किसानों को देगी फसल नुकसानी पर 17 करोड़ रुपए का लाभ। इन किसानों को मिलेगा इस योजना का लाभ। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस तीर के निशान से हमारे वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप और फेसबुक सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को। फसल बीमा योजना 2023। सरकार 35 लाख किसानों को देगी फसल नुकसानी पर 17 करोड़ रुपए का लाभ। इन किसानों को मिलेगा इस योजना का लाभ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिकट न्यूज में। मुंबई राज्य सरकार ने प्रदेश के 35 लाख किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के तहत बीमा का लाभ देने की घोषणा कर दी है। इसके तहत सरकार 17 करोड़ रुपए का बीमा लाभ किसानों को वितरित करेगी। ये लाभ उन किसानों को वितरित किया जाएगा जिनकी फसल इस साल जलवायु परिवर्तन के कारण असामान्य मौसम की वजह से खराब हुई है। इस साल असामान्य बारिश की वजह से किसानों को फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। कई किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। इसी बात को ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार किसानों की मदद के लिए आगे आई है और किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के तहत फसल नुकसान का मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है। किन किसानों को मिलेगा बीमा योजना का लाभ? इस साल जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य के कई जिलों में फसल बर्बाद हुई है जिससे किसान को भारी नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार ने फसल बीमा योजना को बढ़ावा दिया है जहां किसान मात्र 1 रुपये फसल बीमा प्रीमियम जमा करवा कर फसल बीमा का लाभ ले सकता है। अभी तक करीब 1.71 लाख किसानों ने इस योजना का लाभ उठाया है। बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कृषि मंत्री धनंजय मुंडे के साथ फसल बीमा की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पिछले महीने सभी कंपनियों के साथ बैठक की थी। इसके बाद कंपनियों ने पहले चरण में राशि वितरित करने में सहमति जताई है। बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कृषि मंत्री धनंजय मुंडे के साथ फसल बीमा प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पिछले महीने सभी बीमा कंपनियों के साथ बैठक की थी। इसके बाद बीमा कंपनियों ने पहले चरण में राशि वितरित करने पर सहमति जताई है। हाल में ही कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने घोषणा की है कि जिन किसानों की फसलें जलवायु परिवर्तन के कारण असामान्य बारिश की वजह से खराब हुई है उन किसानों को बीमा का लाभ दिया जाएगा। सरकार की ओर से 35 लाख किसानों को प्रथम चरण में 17 करोड़ रुपए का बीमा का लाभ दिया जाएगा। वहीं जो किसान शेष रहेंगे उनको दूसरे चरण में कवर किया जाएगा। इस तरह राज्य किसानों को 2 चरणों में बीमा का लाभ दिया जाएगा। मानसून में राज्य में कहां-कहां हुआ फसलों को नुकसान है? इस मानसून में राज्य में सामान्य बारिश करीब 14% कम हुई है। वहीं अगस्त माह में राज्य में सूखा पड़ा है जिसके कारण राज्य सरकार को 42 तालुकाओं में सूखा घोषित करना पड़ा है। जुलाई और सितंबर में विदर्भ पश्चिमी महाराष्ट्र और उत्तरी महाराष्ट्र के कुछ भागों में भारी बारिश हुई है जिससे किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुँचा है। फसल नुकसान का प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन को माना जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार ने किसान के हित में फसल बीमा मुआवजा जारी करने का निर्णय लिया है और ये मुआवजा किसानों को शीघ्र ही दिया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2023 को लेकर आप क्या राय है हमें कमेंट से कमेंट करें ताकि आने वाली वीडियो में हम इस योजना संबंधित आपको और विस्तार जानकारी दे सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं।